चलो ये गेट अलर्ट लगा हुआ है, हम चलो हमारा फोटो टाइम करेंगे छोटू तेरा साथ में फोटो लेंगे। चलिए तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान खरल है। वेलकम बैक टू मई अनदर वीडियो। सो दोस्तों, मैं आज लाहौर बादशाह मस्जिद विज़िट करने के लिए आया हूं, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सामने बादशाह मस्जिद का जो मेन प्रेयर हॉल आपको नज़र आ रहा है, और मैंने जो शेख जायद मस्जिद की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको जो मेन प्रेयर हॉल था बादशाह उसका शेख जायद ग्रैंड मस्जिद का दिखाया था, उसका जो बुनियादी जो खाका है वो भी इसी से लिया गया है। इसके ऊपर जैसे तीन बड़े, ऊपर आप देख सकते हैं कि तीन बड़े गुंबद बने हुए हैं, उसके ऊपर भी जो मेन बड़े जो गुंबद हैं वो तीन ही हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके जो गुंबद हैं वह तीन गुंबद के अलावा ये जो साइडों पर आप देख रहे हैं जो राहदारियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ भी उन्होंने सारे गुंबद बनाए हुए हैं। सर ये तब्दीली की हुई है, बाकी जो मेन गुंबद उसके जो मेन बड़ा प्रेयर हॉल है वो बिल्कुल ऐसा ही है। फ़र्क एक और उसमें सिर्फ ये है कि वो जो प्रेयर हॉल है वो इसे थोड़ा ये है जी बादशाह मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल। बादशाह मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल, यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, जमात होती है यहाँ पे, बाद जमात नमाज यहाँ पढ़ी जाती है। तो फ्रेंड, ये पीछे बादशाह मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल है, और ये चार बने बड़े मीनार हैं इसके चारों तरफ, और ये राहदारियाँ हैं जहाँ से लोग आते जाते हैं। पीछे मेरे आप तालाब देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में वज़ू करने के लिए होता था, लेकिन अभी तो ये वैसे ही है, लोग यहाँ पे पिक्स बनाने के लिए आते हैं। और ये बादशाह मस्जिद का जो सीन है, यहाँ पर टोटल 60,000 के लगभग लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं एक बार में। ये बादशाह मस्जिद की कुरान गैलरी है, जो सलमान नीचे कुरान देख रहे हैं, ये सोना चांदी और हाथ से लिखे हुए ये कुरान है। सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, सिर्फ अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। ये कीमती नायाब नुस्खे हैं, ये कुरान गैलरी बादशाह मस्जिद। ठीक है, ये कुरान लिखने के अंदर यहाँ पे चांदी का इस्तेमाल भी किया गया और सोने का इस्तेमाल भी किया गया। समझा जाओ, सीढ़ियाँ चढ़ के जाके। तो फ्रेंड, ये जो मैं राहदारियों की बात कर रहा था, ये है वो जो सहन के चारों तरफ जो राहदारियाँ बनी हैं, अभी आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ मैं कि जो शेख जायद मस्जिद में इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क उन्होंने रखा है वो क्या रखा हुआ है। ये सबसे पहले तो आपको व्यू दिखा दूँ मैं इसकी, ये जो खिड़की है सामने, यहाँ से सामने इकबाल पार्क, ग्रेटर लामा इकबाल पार्क जो है इसका सामने मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है, और आज़ादी इंटरचेंज नज़र आ रहा है, और इस तरफ आ जाए भैया, ये देखें, ये आज से 500 साल, थोड़ा साइड पर नज़र तोड़ने देना, आज से 500 साल पहले ये राहदारियाँ बनी थी, उस वक्त के बादशाही अंदाज में ये बनी थी। ये इनका एक हिस्सा तो काफ़ी खुला आता है जहाँ पे अंदर रहने के लिए जो जगह बनी होती है, लेकिन उसके बीच में साथ में ये थोड़े तंग ये दरवाजे से बने हुए हैं। उनका देखिए उनके अंदर चलते हुए कैसे व्यू आ रहा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे व्यू आ रहा है। तो ये पीछे है,
तो फ्रेंड्स ये है बादशाही मस्जिद लाहौर। इसको विज़िट करने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है सुबह 10 बजे से लेके दोपहर तक। उसकी वजह ये है कि ये जो मस्जिद है सूरज देखें आप उस तरफ से निकल रहा है और मस्जिद की तरफ ग़ुरूब हो जाएगा। अभी आप देखें जो सामने सूरज थोड़ा सा उस तरफ गया, सामने साया आ गया है। अगर आप सुबह 10 बजे यहाँ पे आ जाते हैं 10-10:30 बजे तक जब मस्जिद खुलती है तो सूरज की रोशनी सामने इमारत के ऊपर पड़ रही होगी। तो अगर आप वहाँ से अपनी तस्वीर फ़ोटो या वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपका चेहरा भी वाजे नज़र आएगा और बिल्डिंग भी आपको सामने जो ये जो मस्जिद है जो ये भी आपको वाजे नज़र आएगी। लेकिन अगर आप दोपहर के बाद आते हैं तो सूरज चला जाएगा मशरक़ की तरफ यानी कि इस बिल्डिंग के पीछे वाली साइड पर, तो फिर ये सामने वाला हिस्सा जो है वो ये डार्क हो जाएगा, आपका चेहरा भी डार्क नज़र आएगा और ना ढंग की फ़ोटो बना सकेंगे ना वीडियो बना सकेंगे। तो सबसे बेस्ट टाइम जिसको विज़िट करने का है वो सुबह जब मस्जिद खुलती है फर्स्ट। तो सलमान भी मेरे साथ है, सलमान ने भी काफ़ी इंजॉय किया। सलमान के इस तरफ नहीं है भाई, इस तरफ नहीं है, इस तरफ है सूरज, उस तरफ है, हम लोग गलत साइड पर चले गए थे। सलमान जो उसका स्कूल जो है वो अगले कुछ दिनों में स्कूल ओपन हो जाएंगे, फिर स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे। तो स्कूल जाने से पहले सलमान कहीं बाहर घूमने फिरने के आना चाहता था तो हम